हाय गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इमेज डॉस में एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड में क्या बताएंगे? आज बताएंगे आपको बैच फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल और टेक्स्ट फाइल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद फुल स्टॉप दीजिएगा, बगल में BAT बैट शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा। उसके बाद आप इंटर दबाइए। दबाने के बाद इसके अंदर जो कमांड है कमांड को इनपुट करिए। कमांड देने के बाद जस्ट हम 3 कमांड दिए। देने के बाद आप सेव करिए, F6 दबाकर या Ctrl+Z दबाए हुए आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर दबाइए, आपका फाइल सेव। और जो डॉक्यूमेंट कमांड है उसे करते हैं सेम प्रोसेस। सेम नाम दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देने के बाद फिर एंटर दबाइए, उसके अंदर कुछ भी लिखिए आप। सेम हो गया। उसके बाद आप टेक्स्ट फाइल, सेम प्रोसेस। सेम नाम दीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बैच फाइल हम लोग कर चुके हैं, टेक्स्ट फाइल करना था। एक ही नाम हम दो बार दे चुके हैं, इसीलिए ओवरराइड बता रहे हैं। हम नाम चेंज करते हैं। वन दे दिए, चेंज हो गया। अब उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ जस्ट टाइप कर दिया। सेव करने के प्रोसेस Ctrl+Z या F6, सेव हो चुका। अब इसे ओपन करने के प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप DIR दबाकर नाम को लिस्ट में आप देख लीजिए, नाम है या नहीं है। आपको नाम अगर सेव है तो आपको नाम दिखेगा। जैसे हम लोग पी से लिखे हैं तो पी से नाम यहाँ पे है, जो यहाँ पे आ चुका है। 1, 2 और बैट फाइल है हम लोग का, जो 3 फाइल बन चुका है, 1, 2, 3। तो तीनों फाइल में अब आपको ओपन करना है। तो ओपन करने का प्रोसेस है आपका start स्पेस नाम, फुल स्टॉप। अगर DOC दबा कर एंटर दबाते हैं तो इमेज वर्ड ओपन होगा आपका। इस तरह से इमेज वर्ड आपका ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स को देख लिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप लिखे थे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा। दिखने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट्स को, जो एमएस वर्ड ओपन हुआ है, इसे आप बंद कर सकते हैं। ऊपर से रेड बटन है, इसे दबाइए, क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। सेम प्रोसेस जो दो और है उसे भी स्टार्ट स्पेस नाम फुल स्टॉप TXT, जैसे हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं। स्पेस देकर नाम को लिखिए, 1 दिए थे हम, फुल स्टॉप TXT दबाकर एंटर। इस तरह से आपका टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगा। फिर आप क्लोज बटन दबाकर इसे बंद कर दीजिए। इसी तरह आप टेक्स्ट फाइल, बैच फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल और टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं।